हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप लेडीज कार्डिगन पे, जैकेट पे, बच्चों के फ्रॉक्स पे, ये देखिए दोनों तरफ से एक जैसा डिजाइन है। शॉल, स्कार्फ किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल में डबल क्रोशिया कर लेने हैं और प्लस 5 कर लेने हैं, तो आपका डिजाइन एकदम सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स, मैंने एक ये डबल क्रोशिया कर लिया है 8 के मल्टीपल करके और प्लस 5 करके, तो इसी के ऊपर आपको बना के बताऊंगी। एक रो फ्रेंड्स हमने सिंगल क्रोशिया से बना लेनी है, क्योंकि डिजाइन हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो एक रो सिंगल क्रोशिया से, ये रो कंप्लीट कर लिया हमने सिंगल क्रोशिया वाली। अब यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करेंगे, दो चेन करके 2 स्टिच हम एज के लिए लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, 2 स्टिच छोड़ेंगे और तीसरे में 1 और 2 स्टिच लगा लेंगे सेम पोस्ट पे। फिर एक चेन करेंगे, तो यहां से फ्रेंड्स हम 1 2 3 स्टिच छोड़ेंगे, चौथे में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टिच फ्रेंड्स लगा लेंगे। उसके बाद एक चेन बना लेंगे, 2-3 स्टिच यहाँ से छोड़ेंगे, 1 2 हमने सेम पोस्ट पे स्टिच लगा लिए। इसके बाद एक चेन बना लेंगे, यहाँ से हमारे 1-2-3 स्टिच छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाना 1 2 3 4 5 6 7 एक चेन बनाएंगे, 2 स्टिच यहां से छोड़ेंगे तो 2 स्टिच हम एज के लगा लेंगे। साइडों में फ्रेंड्स हमने 2-2 स्टिच छोड़े हैं और बीच में हमने 3-3 स्टिच छोड़े, 2 चेन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक चेन करेंगे, तो ये पहला स्टिच छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 1। अब एक चेन, अब दूसरा स्टिच छोड़ने के बाद 1 स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे तो यहाँ बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, फिर एक चेन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे।
ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से एक एक स्टिच हमारा छूट गया है और 6 स्टिच हमारे यहाँ बन गए हैं क्योंकि हमने बीच बीच में बनाए हैं। तो एक चेन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अब एक चेन, पहला स्टिच छोड़ देंगे एक, अब एक चेन, फिर एक स्टिच, फिर एक चेन, फिर एक स्टिच, फिर एक चेन, पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं फ्रेंड्स, दो चेन कर लेंगे, दो स्टिच लगा लिए। अब एक चेन बना लेंगे तो यहां आ जाएंगे एक दो। फ्रेंड्स यहां पे ये देखिए एक दो तीन स्टिच छोड़ेंगे एक चेन करने के बाद। ये देखिए एक दो तीन स्टिच छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे और इसमें हमने 7 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 चेन तो यहाँ। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, दो चेन, अब देखिए जैसे हमने पिछली बार बनाया था, अब एक एक चेन करते रहेंगे और बीच में एक एक स्टिच लगाते रहेंगे, एक एक चेन करते रहेंगे। ये स्टिच हमने ऊपर नहीं बनाना, ऐसे अंदर से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से ये डिजाइन आगे बनता चला जाएगा। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।